सादुलपुर विधानसभा से बसपा विधायक ने शिवसेना का थामा दामन, लोकसभा चुनाव में भाजपा का करेंगे समर्थन। चुरू जिले की सादुलपुर विधानसभा से बसपा विधायक मनोज सिंह न्यांगनी ने अब शिवसेना का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव में वह भाजपा का समर्थन करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। सादुलपुर विधायक मनोज सिंह न्यांगनी ने मुंबई में महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बसपा को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली। गाँव न्यांगली के मनोज सिंह न्यांगली ने साल 2013 में बसपा पार्टी से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित जीत दर्ज करवाकर साल 2018 तक विधायक रहे। इसके बाद से ही मनोज न्यांगली राजनीति में सक्रिय रहे और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की कृष्णा पूनिया को मात देकर जीत दर्ज की। बसपा से दो बार चुनाव जीतने के बाद उनका शिवसेना में शामिल होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के गठबंधन के अनुसार वे बचे हुए समय में चुरू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। आपको बता दें कि चुरू संसदीय क्षेत्र में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसौर, भाजपा से मेरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया के बीच सीधा मुकाबला है। पूरे हिंदुस्तान में अभी लोकसभा का बड़ा चुनाव है जो चल रहा है, मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में भी हम जिस तरीके से पार्टी का अलायंस है, पार्टी का गठबंधन है, उसी अनुसार हम लोकसभा में जो समय बचा उस समय में पूरी ताकत लगाकर चुरू से भी हम लोकसभा में जिताकर दिल्ली भेजें और मोदी जी की सरकार बनाने में हम सबकी भागीदारी।